वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज का नया वीडियो है हमारा EHD 004। जिन भी स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट कोड है उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपने असाइनमेंट्स बना रहे हैं या बनाने वाले हैं, इस वीडियो की हेल्प से इजीली आप अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स EHD के क्वेश्चन पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी के आंसर आपको इस वीडियो में दिखाए गए हैं। आप इस वीडियो की हेल्प से इजीली अपने असाइनमेंट बनाएंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, मेन चीज़ होती है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम। अगर हम लोग अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो अपने पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, साथ ही साथ अपना कोर्स भी कम्प्लीट करते हैं, और आप भी उनमें से हैं और आपके पास भी टाइम नहीं है, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। आप हमसे हनी टेन असाइनमेंट्स या PDF ले सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको व्हाट्सअप नंबर हमने स्क्रीन पे भी दिया गया है और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है आप हमें मेंशन कीजिए। और साथ ही अगर आप खुद से असाइनमेंट्स बनाने की सोच रहे हैं या फिर बनाने वाले हैं तो आप इस वीडियो की हेल्प से बनाइए। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अपने असाइनमेंट पर। अगर इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका कोई और सा सब्जेक्ट कोड है और आप चाहते हैं वीडियोस देखना, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। हमारा चैनल है माइग्नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कई सारी वीडियोस अपलोड किए रखी है। अगर आपकी आपको इन वीडियोस की अगर इस ये सब्जेक्ट कोड आपकी है तो आप इस वीडियो की हेल्प से आप यहाँ से आप वीडियो को ओपन करके आप अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स EHD 004 यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। और साथ ही सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको कहना है कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, यानी कि यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आपको अपने क्वेश्चंस को मैच करना है और साथ ही साथ आपको अपने आंसर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी के आंसर दिए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके आप इजीली अपने आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप असाइनमेंट की बात की जाए, यानी कि असाइनमेंट किस शीट में बनाना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं तो हमेशा A4 साइज शीट का यूज़ करें, और आपको क्वेश्चन और आंसर के लिए हमेशा ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, यानी कि इसके अलावा आपको कोई अदर पेन का यूज़ नहीं करना है। और एक ही चीज़ को टारगेट लेके चलना है कि आप अपने असाइनमेंट अच्छे से बनाएं। अब आप लोग सोच रहे कि मैं असाइनमेंट को अच्छे बनाने को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेन चीज़ होती है स्टूडेंट असाइनमेंट। अगर हम असाइनमेंट अच्छे बनाते हैं तो हमें असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जितने भी हमें असाइनमेंट में मार्क्स मिलेगा वो हमेशा हमारे एग्ज़ाम में इंक्लूड होते हैं। इसलिए आपको अपने असाइनमेंट अच्छे से बनाने हैं, और जो भी या फिर मतलब आपको अच्छे से अपने असाइनमेंट बनाने हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट अगर असाइनमेंट्स को लेकर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी और जो भी आपका डाउट्स है उसको क्लियर करूंगी।
यहाँ तक स्टूडेंट्स ये वीडियो फिनिश होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट कोड भी चाहिए वो चीज़ भी आप हमें बता सकते हैं। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियोस का अपडेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।